खबर राजधानी देहरादून से है, जहां गर्मी के बढ़ते ही डेंगू और फ्लू जैसी बीमारियों में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। बता दें, पिछले वर्ष उत्तराखंड में डेंगू का काफी कहर बरपा था और साथ ही राजधानी देहरादून में भी डेंगू के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई थी। इसके तहत ही पिछले वर्ष से सबक लेते हुए देहरादून हॉस्पिटल में तैयारी की गई है। वहीं चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि डेंगू को लेकर दून हॉस्पिटल पूरी तरह तैयार है और उसके लिए एक अलग वार्ड की भी व्यवस्था कर दी गई है, ताकि आने वाले समय में मरीजों को कोई परेशानी ना उठाना पड़े। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ठीक है, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि डेंगू का एक तो साइकिल चलती है कि दो तीन साल में एक बार ये भयंकर रूप लेता है। तो पिछले बार हम लोगों ने काफी बड़ा हुआ डेंगू देखा, तो इस बार हम लोग अस्पताल के तौर पर पूरी तरह तैयार है, जिसमें हम लोग का एक स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है। डॉक्टर्स की टीचिंग और ट्रेनिंग भी चलती रहती है और शासन भी, जैसे मुझे मालूम पड़ा है कि नालियों की सफाइयाँ और फॉगिंग वगैरह अभी से ही जल्दी में स्टार्ट कर दी गई है और इस तरह की टास्क फोर्स बनाकर वो काम हो रहा है।